हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं मेडी प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुमो टैबलेट के बारे में। दोस्तों ये किस कंपनी की बनाई हुई है, कितने की ये टैबलेट आती है, क्या इसके डोजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है, मैं ये सारी जानकारी भी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल मेडी प्लस पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलो अब हम बात करते हैं सुमो टैबलेट के बारे में। दोस्तों सुमो टैबलेट अपने आप में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा ब्रांड है। दोस्तों इसको छोटा और बड़े से बड़ा हर कोई इसको इसके नाम से ही जानता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या कंटेंट डाला गया है हम इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर सिर्फ दो कंटेंट डाले गए हैं, नीमोस्लाइड और पैरासिटामोल। दोस्तों नीमोस्लाइड ये हमारे बॉडी में कहीं भी पेन हो उसको कवर करता है और पैरासिटामोल फीवर में या हेडेक वगैरह में बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों नीमोस्लाइड इसके अंदर 100 mg में डाला गया है और पैरासिटामोल 325 mg में यानी 325 mg में डाला गया है। दोस्तों अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये 103 रुपये की 15 टैबलेट आती हैं। दोस्तों इसकी कंपनी है, दोस्तों ये एल्केम कंपनी की बनाई हुई है। दोस्तों जैसे इसका यूज़ किया जाता है, जोड़ों के दर्द, घुटनों का दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, पैर में मोच का आना या मांसपेशियों का दर्द या बोन यानी कि हड्डियों में होने वाले दर्द या फिर जॉइंट्स पेन में भी इसका यूज़ किया जाता है, या दोस्तों जैसे फ्रैक्चर हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या आपको अगर बुखार हो रहा है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही अच्छी है टैबलेट। अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें, व्यक्ति एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को ले सकता है। दोस्तों अगर ये टैबलेट बच्चे को देनी है तो मैं कहना चाहूँगा 8 साल से लेकर के 12 साल के बच्चे को हाफ टैबलेट सुबह और हाफ टैबलेट शाम को दे सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। हर किसी टैबलेट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो कुछ नॉर्मल से इसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों जैसे कि उल्टी का मन करना, जी मचलाना, चक्कर आना, घबराहट होना या बीपी का लो होना या ज़्यादा एसिडिटी का होना, अगर इस तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कहना चाहूँगा आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। और दोस्तों आपको ये टैबलेट आपके नज़दीकी मेडिकल या केमिस्ट शॉप से ले सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या इस टैबलेट से रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।